नमस्कार दोस्तों, आप सबने ये नमकीन जरूर खाई होगी। ये नमकीन किराना स्टोर पर बड़ी ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन दोस्तों इस नमकीन को 43 डिग्री गर्मी में भट्टी पर कैसे तैयार किया जाता है, आइए हम जानते हैं इस नमकीन के बारे में इन भाई साहब की जुबानी। हमारा नाम पूरन वासी है, नमकीन और पापड़ का काम करते हैं। ये काम करते हमको 10 साल हो गया है। पापड़ खुद बना करके तल करके हम लोग दुकान पे पहुँचाते हैं। भट्टी के आगे इसका तलाई करना होता है तो काम तो करना ही है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, काम करना तो सर्दी गर्मी सब सहना पड़ेगा ना। किसी भी काम में आराम तो है नहीं, काम में तो मेहनत लगेगी, चाहे वो गर्मी से लगे चाहे मेहनत बोझा उठाने से लगे, मेहनत तो लगेगी। ये सब में मसाला लगता है, ये चटपटा मसाला होता है, तीखा नहीं होता है ये मसाला। हाँ मतलब अलग अलग आता है ना मसाला, उसको सब मिलाना पड़ता है, नमक वगैरह और मसाले सारे मिक्स करने पड़ते हैं इसमें ना। ये इसके मसाले अलग से आते हैं, गरम मसाला वगैरह नहीं, जो सब्जी बनती है वो सब नहीं है। मशीन है चिपकाने वाली, हाँ इसमें ना बिजली चलती है और ऐसे लगा के तुरंत ही चिपक जाती है। इसमें खाली लिफाफा चिपकाती है, ज़्यादा अगर हाथ हो तो भी लगा दो गलती से तो उतना वो खास नहीं, लेकिन खाली लिफाफे चिपकाती है। ये 10 रुपये की बिकता है और एक में 12 नल की होती है और बाकी चीज़ें वेट में होती है, जो छोटी चीज़ें हैं। इसको सोया कटोरी, इसका नाम है राइट एंगल, ये भी वेट की वजह से 50 ग्राम। ये 10 रुपये की पैकिंग है ये, हाँ ये कटोरी भी 10 में थी, ये भी और ये भी 10 रुपये में। ये सारी आइटम हम 10 वाले ही बनाते हैं। लगभग 2 महीने तक का इसका समय होता है, लेकिन हमारे पास हफ्ते 10 दिन में बिक जाती है सारी, हाँ हफ्ते 10 दिन में सारी बिक जाती है। बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब पढ़ कर के आते हैं खाली टाइम में फिर वो पैकिंग कराते हैं। इसमें आइटमें बहुत है हमारे पास, कम से कम 10 से 12-15 आइटमें तक बनती हैं। जिसका ऑर्डर होता है वही पैकिंग करते हैं, बाकी देखो सारे बोरे में पैक हुआ रखा है माल। जिसको ऑर्डर आ गया ना कि ये चाहिए, हम वही पैक कर देते हैं फिर। ये जैसे हम 10 रुपये पैकेट बेचते हैं तो इसमें हमें लगभग 7.5-8 रुपये लागत लग जाती है, क्योंकि इस समय कच्चा चीज़ भी महंगा है, तेल भी महंगा है, लिफाफे भी महंगे हैं, तो हमें पैकेट पीछे 2-2.5 रुपये मिल जाते हैं। क्योंकि 10 में और ज़्यादा बचेगा भी कितना, 10 रुपये की चीज़ में। ये रोज़ का रोज़ हमारी पैकिंग होती है जी, जितना पैकिंग करेंगे वह सारा बिक जाएगा। ये है हापुड़ वाला पापड़, ये नमक इसमें पहले से कच्चे माल में नमक पहले से पड़ा होता है इसमें, हमने खाली इसको तल करके बस पैकिंग कर देना है। हमारे पास सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये है, ये आइटम है, हाँ ये नल की ये चलती है, हापुड़ का पापड़ चलता है,
सोया कटोरी हो गई, ये तिलकुन्ना हो गया, हमारे पास ये ज़्यादा बिकता है। सफाई रखनी चाहिए जहाँ माल तैयार, क्योंकि खाने वाली चीज़ें हैं। और तेल देखना पड़ता है, तेल हमारा बढ़िया है, किस क्वालिटी का तेल है। इसको कोरन नमकीन कहते हैं, कोरन पापड़ी वाली नमकीन, ये भी 10-10 रुपए सेल में ही पैक हो रही है। सीजन के हिसाब से भी चलता है, बर्त वाले चिप्स भी हम बनाते हैं सीजन के हिसाब से, और बाकी तो सब चीज़ें बराबर चलने वाली है जी। ऐसे भी होता है कोई आधा किलो मांग लेते हैं, जैसे यही नमकीन को आधा किलो मांग लेंगे, एक किलो मांग लेंगे, तो उसके लिए हम बड़ा पैकेट बना देते हैं एक किलो का, आधा किलो का। ये इसमें वजन लिखा होता है, वजन और रेट, ये 10 रुपये सेल में ये दुकानों पर जाती है बिकने के लिए, ये अलग से है। हाँ, ये दुकानों में अलग से लोगों ने मांग रखा है कि हमको इतने वजन में भेजना है, तो उनका माल अलग से फिर तैयार हो जाता है। उसमें डेट भी लिखा हुआ है और वजन भी लिखा हुआ है। इसमें 3 महीने की डेट होती है। हाँ, इसमें पैकिंग होने में 3 महीने तक ही सही रहेगी नमकीन। इसके अंदर 10 पैकेट हैं। ये छोटे छोटे दुकानदारों को हम लोग 10 पैकेट 70 रुपये देते हैं ये, फिर वो लोग इसको 10-10 रुपये करके बेचते हैं। वो ज़्यादा वजन में हो रही थी जो ये पहले वाली थी। हाँ, इसका वजन ज़्यादा है इसका है, क्योंकि दुकानों पर जाएगी तो उसमें दुकानदार भी कमाएंगे, हम भी इधर अपनी मेहनत का कमाएंगे, तो इसमें बट जा रहा है ना। जितना ही आदमी थोड़ा लेगा उतना महंगा पड़ती चीज़। खुली कोई लेते हैं तो 140 रुपये देते हैं। हमारा यही नमकीन का ही काम है जी। चना भी बेचते हैं, भुने चने, वो भी पैकिंग करके। ये काम हमारा तो पैकिंग का काम तो 10 साल से चल रहा है। पहले दूसरे से लेके बेचते थे ये काम, दुकान दुकान में सप्लाई देते थे, दूसरे से दुकानों से खरीद के लेके, बड़ी दुकान से खरीद के लेके छोटी दुकानों पे हम देते थे पहले। फिर देखते रहे कि भाई कहाँ से आ रही, बना कैसे बन रही है, तो हमने भी शुरू कर दिया बनाना। हाँ, आस पास वाले हमसे ले जाते हैं, यहीं से ले जाते हैं, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जितनी उनको ज़रूरत होती है वो यहीं से ले जाते हैं। अगर ज़्यादा लोग मांगते हैं तो हम दे भी आते हैं उनके पास। हाँ, कंपटीशन है, लेकिन जिन दुकानों पे हम दे रहे हैं उस पे दूसरे नहीं देते हैं, और जिस पे दूसरा कोई दे रहा है उस पे हम नहीं देते हैं। हाँ, सब अपना अपना दे रहे हैं। कंपटीशन तो ये होता है जैसे कि जिस दुकान में हम दे रहे हैं उसमें कोई और दे, कम रेट में दे या और कैसे भी दे, ऐसा हमारा नहीं। हमारा तो जिस दुकान में हम दे रहे हैं हमें से लेते हैं, एक व्यवहार बन जाता है ना कि भाई इन्हीं से माल लेना, सामान भी सही है, रेट भी सही है। इसमें दुकानदारी में कोई संडे नहीं, कोई कुछ नहीं, रोज का काम है ये। ये है कि कभी काम मंदा हो जाएगा, कभी तेज़ हो जाएगा, बस दुकानदारी में ऐसे ही है जी, छुट्टी कोई नहीं। हमारे कॉन्टैक्ट जुझार नगर गली नंबर 11 और मोहाली, और मोबाइल नंबर है 98-72-22-0763, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है।